नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 20,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें 20,000 रुपये का निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल हमें दे दिया है उसने 20,000 रुपये। ठीक है, टाइम हमें दिया है 3 वर्ष, और रेट क्या है, तो रेट है 10%, और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 3 साल में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसके लिए मिश्र धन को कैलकुलेट करते हैं। A बराबर P 1+R/100T। A हमें पता नहीं है, P है 20,000 और 1 प्लस रेट है 10% भागे 100 और टाइम है 3 वर्ष। 0 से 0 कट जाएगा, 10 एकम 10 एक 11, यानी A बराबर 20,000 × 11/10, 3 की पावर है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, 0 0 0, ये तीनों 0 कट जाएंगे। अब 11 × 11 × 11, यानी 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो A बराबर 20 × 1331, तो A बराबर 0 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6, तो 26,620 हमारा मिश्र धन निकल के आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये होता है A-P, 26,620 - 20,000 बराबर कितना हो गया, 6,620 रुपये। ये क्या है हमारा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब इसको एक हम दूसरी विधि से भी कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि हमारी राशि है कितनी है, 20,000 रुपये, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमें कैलकुलेट करना है, 3 साल का कैलकुलेट करना है। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, पहले साल 2,000 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में क्या होगा कि जो ब्याज हमें मिल रहा था 2,000 रुपये, वह तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 10% और मिलेगा, यानी 200 रुपये और मिलेगा। अगर हम बात करें तीसरे साल की, तो तीसरे साल क्या क्या मिलेगा, तीसरे साल हमको पहले तो इसका 2,000 रुपये मिलेगा, फिर इसका 10% यानी 200 रुपये यहाँ मिलेगा, इसका 10% तो 200 रुपये यहाँ मिलेगा, और जो ये 200 निकला था इसका भी 10% यानी 20 रुपये हमें यहाँ पर और मिलेगा। अब टोटल को जोड़ देंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, तो 2,000 2,000 और 2,000, 6,000 जी हो गया, 200 200 200, 600 जी हो गया, और 20 हो गया, तो 6,620 यह निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।